अपना सांझा पंजाब टीवी ते दोस्तों तुहाडा स्वागत। मैं भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों जिवें आपां सारे जाणदे हां कि 15 अगस्त दे मद्देनज़र देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने हर घर तिरंगा दी इक मुहिम विढ़ी होई है। उन्हां दा कहना है कि असीं 75 साल इस मुल्क नूं आज़ाद होया नूं हो गए हैं, इस करके असीं आज़ादी का अमृत महाउत्सव मनाउण जा रहे हैं। आज़ादी दे जशन उन्हां वल्लों मनाए जा रहे हैं। दूए बन्ने पंजाब दी धरती दे उपर वसण वाले सिखां दा कहना है कि सानूं अपनी धरती दे उपर इह तिरंगा झंडा मंजूर नहीं है। पंजाब की धरती के उपर वसण वाले सिखां का कहना कि असी अपने घर छतां के उपर अपना खालसाई निशान साहब ही चुलावांगे, सानू तिरंगा नहीं चाहिए। अज अमृतसर शहर के दल खालसा का जिहड़ा मेन दफ्तर हैगा, दफ्तर की छत के उपर खालसाई निशान साहब चुलाया गया और उस मौके पर खालसाई निशान साहब नू सलामी भी दिती गई है। इस कार्ज के वास्ते जुगराज सिंह जिन्हें कि 26 जनवरी दिल्ली के लाल किले के उपर खालसाई निशान साहब चुलाया गया, उस नौजवान को चुनिया गया। इस मौके गलबात करदिया होया दल खालसा दे आगू कंवरपाल सिंह दा कहना है कि असी देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दी हर घर तिरंगा मुहिम नूं जमा ही रद्द करदे आ। दल खालसा दे आगू सरदार कंवरपाल सिंह दा कहना है कि जिहड़ा साडा इह खालसाई निशान साहिब हैगा इह सिख प्रभु सत्ता दा प्रतीक है। उन्हां दा कहना है कि इह सिख कौम दी आज़ादी दा प्रतीक है, इह सिख कौम दीआं राजनीतिक ते धार्मिक भावनावां दा प्रतीक है, इस करके असी अपने घर दीआं छतां दे उपर खालसाई परचम ही चलावांगे। इस तों इलावा उन्हां दा कहना है कि असी किसी भी तरह के राष्ट्रवाद नूं अपनी कौम दे उपर हावी नहीं होण देंगे। जांदे जांदे तुहानूं दस दिंदे हां कि पंजाब दी धरती दे उपर वसण वाले सिखां दे अंदर पिछले एक दो दिनों तों लै के लगातार एक लहर बनी हुई है, एक मुहिम विढ़ी गई है कि हर घर, उन्हां वल्लों कहा जा रहा कि हर घर तिरंगा, पर सिखां वल्लों जिहड़ी मुहिम विढ़ी गई है उहनूं भरमा हुंगारा मिल रहा है। वख-वख पंजाब दे पिंडां ते शहरां दे विच नौजवानां दे वल्लों अपने घरां दीआं छतां दे उपर खालसाई निशान साहिब चलाउणे लगातार जारी ने।